This is the chapter number 21, Globalization. In the previous video, we had studied about the meaning of globalization, factors that promote globalization, development of India before the year 1991, globalization and India, development of India after the year 1991. ये सारी चीजें हमने previous videos में देखी. And now today we will read about the problems created by globalization. किसी भी चीज के फायदे होते हैं तो उनके कुछ नुकसान भी होते हैं. तो कुछ globalization की वजह से कुछ problems भी create होती हैं. उन problems को आज हम इस video में discuss करेंगे. So let's see. This is not true to say that India has only benefited by globalization. The reality is this, the globalization has also created several problems. Following are the problems. Impact on small producers, uncertainty of employment, benefit not to all, influences of developed countries, regional disparities, etc. So let's see impact on small producers. Globalization has adversely affected several small industries of India. Small industries are not able to compete with goods produced in foreign countries. As a result, several small industries have closed. The condition of industries like battery, plastic toys, tires, dairy products and edible oil is very poor. Here, this is noticeable that in India, maximum people get employment in small scale industries next to agriculture. तो चिल्ड्रन, जैसे कि मैंने पहले बोला है कि किसी भी चीज के फायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं. तो ग्लोबलाइजेशन के वे में यदि हम देखें तो इंडिया को सिर्फ बेनिफिट ही नहीं हुए हैं, उसके रियलिटी में देखा जाए तो कुछ उसके प्रॉब्लम्स भी उसने ग्लोबलाइजेशन ने क्रिएट की हैं. तो ये प्रॉब्लम्स क्या हैं? तो सबसे पहला इम्पैक्ट जो है स्मॉल प्रोड्यूसर्स पे पड़ा है. तो ग्लोबलाइजेशन ने स्मॉल इंडस्ट्रीज के ऊपर एडवर्सली अफेक्ट किया है. स्मॉल इंडस्ट्रीज जो होती हैं उनके जो गुड्स होते हैं वो फॉरेन कंट्रीज के गुड्स से कम्पीट नहीं कर सकते हैं, और इसका रिजल्ट ये होता है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा घाटा हो जाता है और स्मॉल इंडस्ट्रीज बंद भी हो गई हैं. अब जैसे छोटी प्रोड्यूसर्स को देखा जाए, जैसे बैटरी प्रोड्यूसर्स हैं, प्लास्टिक टॉयज हैं, टायर्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, एडिबल ऑयल है, ये सारे इनकी स्थिति बहुत ही पुअर है. और इस तरह से यदि देखा जाए तो इंडिया जो है वो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट उसका क्या होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ही होता है या फिर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में होता है. तो ग्लोबलाइजेशन का इन सब पर एडवर्सली इफेक्ट पड़ता है. अनसर्टेनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लाइफ्स ऑफ लेबर्स हैव बीन ग्रेटली अफेक्टेड बाय ग्लोबलाइजेशन. These days, due to growing competition, maximum employers lack flexibility in providing employment to laborers. The factory owners, to minimize the cost, provide temporary employment to the laborers so that they may not have to pay them salary round the year. Along with this, the laborers have to work for long working hours. अब uncertainty of employment में देखा जाए तो laborers की जो life होती है बहुत ज़्यादा greatly एडवर्सली अफेक्ट होती है ग्लोबलाइजेशन की वजह से. जो प्रोड्यूसर्स होते हैं कंपटीशन के कारण वो लेबर्स के साथ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं करते हैं और उनके वर्किंग आवर्स भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. इसके साथ जो उनको वेजेस मिलता है वो भी उस वर्किंग आवर्स के अकॉर्डिंग नहीं होता है पर्याप्त, और इस तरह से वो एक प्रकार से जो सैलरी होती है वो उनको पर्याप्त नहीं मिल पाती है, और जो उनके वर्किंग आवर्स भी ज़्यादा हैं और फिर जो उनका एम्प्लॉयमेंट है वो भी उनका टेम्परेरी होता है. तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये एम्प्लॉयमेंट के लिए दृष्टि से देखा जाए तो लेबर्स के लिए ये अच्छी नहीं होती है. नाउ बेनिफिट नॉट टू ऑल, द एक्सपीरियंस टेल अस दैट ग्लोबलाइजेशन हैज़ नॉट बीन बेनिफिशियल टू ऑल पीपल. द न्यू अपॉर्चुनिटीज गेन बाय द ग्लोबलाइजेशन हैव बीन बेस्ट यूटिलाइज्ड बाय एजुकेटेड एफिशिएंट एंड प्रॉस्पेरस पीपल. द वीकर एंड पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज फार अवे फ्रॉम द एडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन. यह देखा गया है कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो सभी लोगों के लिए बेनिफिशियल नहीं रहा है.
जो न्यू अपॉर्चुनिटीज हैं वो सिर्फ एजुकेटेड या एफिशिएंट या प्रॉस्परस पीपल हैं वही यूटिलाइज कर पाए हैं, बाकी जो वीकन पोर्शन है हमारे देश का वह इनसे फ़ायदा नहीं ले पाया है। तो वीकर और पुअर सेक्शन जो है हमारे सोसाइटी का वह ग्लोबलाइजेशन के एडवांटेजेस से काफ़ी दूर रह गया है। Influences of developed countries. The process of globalization is being implemented according to the directions of the World Trade Organizations. But in this organization, the developed countries have a strong hold. These countries support only those policies and programs which are beneficial for them. These countries have not opened their market for laborers. In the same way, the subsidy given to agriculture is not yet decided. ग्लोबलाइजेशन की जो प्रोसेस है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, और यह जो इनके जो डायरेक्शंस होते हैं यह ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारी कंट्रीज़ के लिए फ़ायदेमंद हों। ये उन कंट्रीज़ को सपोर्ट करने वाले होते हैं जिनमें पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स उनके लिए फ़ायदेमंद हो। इस तरह से जो ये मार्केट है ये ज़्यादा फ़ायदेमंद हमारे भारत के लिए नहीं हुआ है, और देखा जाए तो एग्रीकल्चर के लिए जो सब्सिडी होना चाहिए वो भी अभी तक डिसाइड नहीं हो पाई है। तो ये सारी चीज़ें जो है ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे देश के लिए बेनिफिशियल नहीं है और एक प्रकार से प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। नाउ रीजनल डिस्पैरिटीज़। द रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैव इंक्रीज्ड ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एज द डेवलप्ड कंट्रीज आर बेनिफिटेड मोर एज कंपेयर टू डेवलपिंग countries by globalization. Similarly, within the country, developed region have been benefited more than the backward regions. Thus, all people have not been benefited by globalization. तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से रीजनल डिस्पैरिटीज़ भी देखने को मिली हैं। जो बैकवर्ड रीजन्स हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला है ग्लोबलाइजेशन के से, और जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा नहीं हो पाया है वहाँ के, और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्हीं को ग्लोबलाइजेशन से ज़्यादा फ़ायदा हो पाया है। तो दस इट इज़ क्लियर दैट ग्लोबलाइजेशन हैड्स इफेक्टेड द इंडियन इकोनॉमी इन बोथ द वेज एडवर्सली एंड पॉजिटिवली। द रियलिटी इज़ दैट ग्लोबलाइजेशन हैज़ benefited the industries and business and we have approached in the world market. Several Indian producers have got the status of multinational company. The development rate of Indian economy has also become more than 9%. Consumers are now getting world-class standardized goods. But in reality, the people of all classes have not got the benefit of globalization equally. Several small industries have been closed due to competition. The problems like poverty and unemployment prevailing in the developing countries like India have become more complicated. Along with this, due to the influence of developed countries upon the World Trade Organization, developing and backward countries are not getting the due benefits of globalization. The new labor laws are not affecting the labor class favorably. Therefore, special efforts are needed. तो चिल्ड्रन यह क्लियर है कि ग्लोबलाइजेशन के फ़ायदे हैं तो नुकसान भी है। इंडियन अब इकोनॉमी को ग्लोबलाइजेशन ने पॉजिटिवली भी और एडवर्सली भी दोनों तरह से इफ़ेक्ट किया है। रियलिटी में देखा जाए तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं बिजनेसेस हैं जिन्होंने वर्ल्ड के मार्केट तक अपनी पहुंच बनाई है, और जो हमारे इंडियन प्रोड्यूसर्स हैं वो मल्टीनेशनल कंपनी तक वो बन सके हैं, उनका स्टेटस भी बढ़ गया है और जो वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्डाइज है गुड का वह भी बढ़ गया है। लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो ग्लोबलाइजेशन ने सभी क्लासेस को इक्वली बेनिफिट नहीं पहुँचाया, इक्वली फ़ायदा नहीं पहुंचाया। कंपटीशन की वजह से बहुत सारी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि बंद हो गई हैं, पावर्टी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वह भी हो गया है, और इसके साथ साथ जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है डेवलप्ड कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग ही जो पॉलिसीज़ है उनको बनाता है, और इसका फ़ायदा सारी बैकवर्ड कंट्रीज़ को नहीं मिल पाता है। जो लेबर्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा रियलिटी में देखा जाए तो फ़ायदा नहीं पहुंच पाता है। तो इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा एफर्ट स्पेशल एफर्ट्स की ज़रूरत है ताकि ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा सभी को बराबर हो सके। सो चिल्ड्रन हियर इज़ योर चैप्टर नंबर 21 ग्लोबलाइजेशन इज़ फिनिश्ड।